प्यारे बच्चों, आज हम समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। समीकरण से पहले हम व्यंजकों को जान चुके हैं। अब ये देखते हैं कि व्यंजक में और समीकरण में क्या अंतर है। व्यंजक एक चर और एक अचर संख्याओं से मिलकर बनते हैं। यदि मैं लेता हूं कि x जमा 2 ये एक व्यंजक है, एक्स वाई माइनस 3 माइनस वाई ये भी एक व्यंजक है। यदि मैं लेता हूं एक्स की शक्ति 2 जमा 3 ये भी एक व्यंजक है। अर्थात व्यंजक है वो चर और अचर संख्याओं के मिलने से बनता है। अब समीकरण में और व्यंजक में अंतर क्या है? समीकरण भी हमारे पास चर और अचर संख्याओं से मिलकर बनेगा, लेकिन समीकरण के अंदर एक खास बात होती है कि समीकरण में समता का निशान होता है, बराबर का निशान होता है। और यदि मैं इसको इस प्रकार से लूं, x जमा 2 बराबर है 5, तो बीच में समता का निशान हमारे पास आ गया। एक पक्ष इधर है, एक पक्ष इधर है, दो पक्ष हैं। यहां पे हमारे पास एक ही पक्ष है, दूसरा पक्ष नहीं है व्यंजक में, और समीकरण में दो पक्ष होते हैं। अब इन व्यंजकों में भी यदि हम देखें, यहां पे एक चर है, यहां पे दो चर हैं x और y। अब यहां पे एक चर वाले रैखिक समीकरण की हमें बात करनी है कि जिसमें सिर्फ एक चर हो, ये वाला। और रैखिक का मतलब कि उसकी जो शक्ति है वो भी एक ही हो। यहां पे x की शक्ति कितना है? 2 है, तो ये रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक समीकरण यदि नहीं है तो इन व्यंजकों को हम समीकरणों के रूप में नहीं लेंगे, हम सिर्फ पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। चर भी एक हो और उसकी घात भी एक हो, शक्ति भी एक हो। तो एक चर वाले रैखिक समीकरणों की बात हम करेंगे। अब ये बात तो आप समझ ही गए होंगे कि समीकरण कैसे कहते किसे हैं। उसके अंदर चर होना चाहिए जिसकी शक्ति एक हो, एक चर वाले रैखिक समीकरण में जिसकी शक्ति एक हो, घात एक हो, और दूसरी बात उसके अंदर समता का निशान हो, बराबर का निशान हो। बीच में एक पक्ष इधर वाला पक्ष, देखो यहां मैं बार बार उल्टा हो रहा हूं क्योंकि आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, ये पक्ष एक पक्ष है, ये पक्ष एक पक्ष है, इस वाले पक्ष से मेरा हाथ बायां हाथ है तो इसे हम बायां पक्ष कहेंगे, ये वाला दायां है तो ये दायां पक्ष। मतलब ये पक्ष मेरे पास क्या हो गया? बायां पक्ष, और ये पक्ष क्या हो गया? दायां पक्ष। ये बिल्कुल उस तराजू की तरह है जो दुकानदार अपने पास रखता है। आपने देखे होंगे दो पलड़े हैं, और यदि तराजू की जो बीच वाली नोक है वो सीध में खड़ी हो तो मतलब दोनों के अंदर बराबर सामान रखा हुआ है। इसके अंदर भी ये समता का निशान वही दर्शा रहा है कि जितना मान बाएं पक्ष का है उतना ही मान दाएं पक्ष का है। यदि हम दुकानदार से कोई वस्तु लेने जाते हैं, हमने 1 किलो चीनी ली, तो दुकानदार क्या करता है, एक तरफ वाले पलड़े में 1 किलो का बाट रख देता है और दूसरी तरफ वाले में चीनी डालता रहता है। जब तक बीच वाला चीनी सीध में नहीं आ जाता, वो समता का निशान नहीं बन जाता, तब तक वो चीनी डालता रहता है। ज्यादा चीनी डल जाएगी तो उसमें से वो उसको निकाल लेगा, मतलब वो बिल्कुल बराबर करके देगा। और उसके बाद यदि हमें कुछ करना हो कि नहीं मुझे एक नहीं मुझे तो 2 किलो चीनी लेनी थी, तो वो क्या करेगा, 1 किलो का बाट और रख देगा, 1 किलो वाली तरफ 2 किलो हो जाएंगे और 1 किलो चीनी फिर डाल देगा। यहां कहने का मतलब ये है कि यदि मैं इस पक्ष को बढ़ाऊंगा, एक पक्ष को जितना बढ़ाऊंगा दूसरा पक्ष भी मुझे उतना ही बढ़ाना पड़ेगा समता लाने के लिए, समता लाने के लिए। तो आज हम इसी समता के द्वारा इन समीकरणों को हल करना सीखेंगे। पहले तो आप देखिए, मेरे पास एक समीकरण में यही ले लेता हूं, x जमा 2 बराबर है 5। अब x जमा 2 बराबर 5 लिया, इसका मतलब यह हो गया
कि जो ये पक्ष है मेरा बायां पक्ष और ये पक्ष है दायां पक्ष, ये दोनों समान है। यदि मैं इधर से कुछ चीज घटाऊंगा तो इधर से भी मुझे वही चीज घटानी पड़ेगी। यदि इस पक्ष में कुछ चीज जोड़ूंगा तो इस पक्ष में भी वो चीज जोड़नी पड़ेगी बराबर लाने के लिए, समता का निशान को सही रखने के लिए। तो अब करना क्या है, सबसे पहले तो हमें चर देखना है। चर कितना है इसके अंदर, x। और x के साथ मैं अगली संख्या और देखूंगा कि अगली संख्या क्या है, वो है जमा का 2। अगली संख्या क्या है, जमा का 2। अब इस चीज का ध्यान रखना है, मैं इसको एक और रूप में ले रहा हूं, x घटा 2 बराबर 5। मैंने इसलिए लिया है कि एक तरफ मैं जोड़ का ले रहा हूं, एक तरफ मैं घटा का ले रहा हूं, यहां पे देखो नेगेटिव साइन ले रहा हूं मैं। तो यदि x के इस तरफ जोड़ का निशान है, जोड़ का 2 है, तो उसको निकालने के लिए निकालूंगा, इसलिए क्योंकि मुझे x पक्ष में x रखना है और दूसरे पक्ष में सारी संख्याएं चली जाएंगी तो मुझे पता लग जाएगा भी x बराबर कितना है, x का मान निकालना है यहां पे। तो मैं 2 को उस तरफ घटाऊंगा यहां से, क्योंकि ये जोड़ का है तो घटाएंगे तो तभी तो 0 बनेगा ये। तो यहां पे मुझे पहले लिखना पड़ेगा कि दोनों पक्षों में से 2 घटाने पर, अब घटा के देखो यहां पे मेरे पास पहला पक्ष क्या था, x जमा 2, और इसमें से 2 घटाया है, बीच में बराबर का निशान बिल्कुल ऐसे कैसा रखा है, समता का निशान, और इस पक्ष में से भी 2 घटाया है। देखो मैंने दोनों पक्षों में से 2 घटाया है, ये भी इससे भी घटा दिया, तो बराबर के निशान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि तराजू के दोनों में से समान मात्रा में हम संख्याएं या जो चीज रखी है वो निकाल दें तो उसकी समता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल वैसे का वैसा रहेगा। तो जब दोनों पक्षों में से 2 घटाया गया तो यहां से हमने देखा कि ये 2 जोड़ का 2 और माइनस 2 शून्य हो गया, और शून्य को किसी भी संख्या में जोड़े तो शून्य रह गया। इसको हम सीधा देख सकते हैं, 2 और 2 ये आपस में कट जाएंगे, यहां क्या बच गया, एक्स बराबर, और 5 में से 2 घटेंगे क्या बच जाएगा, 3। तो यहां पे हमारा x का मान कितना आ गया, 3। हमें भी ये पता है भाई, x की जगह यदि मैं 3 रख दूं, 3 जमा 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन हमें यह समीकरण के अनुसार इसको निकालना था, यह था जोड़ की स्थिति में। जब हम घटा की स्थिति में लेंगे, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक चर x में से 2 घटाया जा रहा है तभी 5 बच रहा है। लेकिन यहां पे यदि हम एज्यूम करें कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें से 2 घटाने पर 5 बचे, तो हम बता सकते हैं कि वो 7 होगी, 7 में से 2 घटेंगे 5 बचेगा। लेकिन समीकरण में उसको कैसे निकालना है, यहां से देखें जिस प्रकार मैंने लिखा था कि ये जोड़ का निशान था x के साथ 2, दोनों पक्षों में से 2 घटाया गया था, जोड़ है तो घटाना है और घटा है तो जोड़ना है। तो यहां पे मैं लिखूंगा दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर। अब 2 जोड़ दो, पहला पक्ष मेरे पास ये पूरा लिखना है, x घटा 2, इसमें 2 जोड़ दिया, उधर 5 है, इधर भी 2 जोड़ दिया, अब ये 2 से 2 एक जोड़ का ही घटा कट गया, तो x बराबर कितना बच गया, 5 और 2 7। ये इस प्रकार से हम समीकरण का हल निकाल सकते हैं या चर का हल निकाल सकते हैं, भाई चर कितना आ गया हमारे पास। अब बार बार ये लिखने से, क्योंकि बार बार ये आएगा भी जोड़ दोनों तरफ से घटाएं, हम दोनों तरफ से क्यों घटाएं, उसके लिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और इसी प्रश्न को ले लेते हैं, x जमा 2 बराबर 5। यही प्रश्न दोबारा मैं ले रहा हूं, x जमा 2 बराबर 5, ये कहा कि दोनों पक्षों में से 2 घटाने पर मुझे इधर भी लिखना पड़ा घटा का 2 और इधर भी लिखना पड़ा, और जबकि इस साइड वाला तो आगे कट जाता है। यदि हम सीधा ले लें कि इस पक्ष में दाएं बाएं पक्ष में जो संख्या है उसको हम परली तरफ हस्तांतरित कर दें, उसको पक्षांतरण बोलते हैं, पक्षांतरण भाई पक्षों को उधर उठा के लेके गए हैं, पक्षों में संख्याओं को दाएं बाएं पक्ष में से दाएं पक्ष में गई है या दाएं पक्ष में से बाएं पक्ष में आई है। तो उसमें क्या होगा, पक्षांतरण करने में जो संख्या हम लेके जा रहे हैं यदि वो जोड़ में है चर के साथ प्लस में है तो उधर जाके वो नेगेटिव माइनस में हो जाएगी, और यदि वो नेगेटिव है तो उधर जाके
पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहां पे x देखो मैं इसको ही लेके जा रहा हूं सिर्फ, इधर 5 है मेरे पास, माइनस के 2 को प्लस के 2 को तो ले जाऊंगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2, निशान बदल जाएगा पक्षांतरण में, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में संख्याओं को लेके जाएंगे, यदि वो जोड़ में है चर के साथ तो वो माइनस में हो जाएगी, और यदि ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। अब यहां से देखें x बराबर 5 में से 2 गया कितना बच गया 3। अब इस प्रश्न को देखें और प्रश्न को देखें तो हमारा और आसान प्रश्न ये हो गया है। एक आध हल और लेके देख लेते हैं हम इसमें, हम इसमें लेते हैं y माइनस 3 बराबर माइनस 4। चलो माइनस वाले में बाद लेने लूंगा, माइनस वाले बाद में ले लेंगे, फिर बाद में देखेंगे थोड़ा y माइनस 3। अब y के साथ जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है y चर के साथ क्या है माइनस 3 है, बीच में समता का निशान ऐसे कैसा है, समता का निशान वही रखना है। अब मुझे यहां सिर्फ y y रखना है, इधर मेरे पास पहले क्या है 5, अब ये नेगेटिव 3 है माइनस का 3 है, मैं इसको पक्षांतरण करूंगा ऊपर की तरफ दाएं पक्ष में तो ये माइनस का 3 उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, पक्षांतरण में ये चीज ध्यान रखनी है। तो y बराबर यहां से कितना हो गया 5 जमा 3 8, अब ये तो उधर चला गया था इसलिए इस साइड नहीं है, और एक और संख्या देखिए, अब चर मैं x नहीं, अब चर मैं बदल बदल के ले रहा हूं, z जमा 3 बराबर घटा 1, अब मैंने घटा वाला भी ले लिया, बराबर का निशान बीच में ऐसे ही रखना है, पॉजिटिव 3 प्लस के 3 को उधर लेके जाऊंगा, इधर हमारे पास पहले क्या बच गया z, पहले लेके नहीं जाना है, पहले उधर वाली संख्या रखनी है हमें बिल्कुल जैसी है, वो घटा का 1 है या जोड़ का है वो बिल्कुल वैसे का वैसा रखना है, और प्लस के 3 को उधर लेके जाऊंगा क्या हो जाएगा नेगेटिव 3 हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो z बराबर नेगेटिव 1 और नेगेटिव 3 नेगेटिव 4 हो गया हमारे पास, घटा का 4 ऋण 4 इसका उत्तर आ गया। बिल्कुल आसानी से हम पक्षांतरण में इसको कर सकते हैं कि जोड़ वाली संख्या है जो चर के साथ वो उधर जाके माइनस की हो जाएगी और माइनस वाली प्लस की हो जाएगी। अब ये तो था जोड़ और घटा के लिए, यदि मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं, 2x बराबर है 5, अब हम क्या करेंगे स्थिति में जब मैंने 2x लिखा है, 2x का मतलब मेरे पास हो गया 2 गुणा x, अब चर मेरे पास x है और 2 उसके साथ ना जोड़ में है ना घटा में है, किस में है गुणा में है, अब गुणा की स्थिति में क्या करना है ये भी देखना है। यदि x चर किसी भी चर के साथ कोई संख्या जोड़ या घटा में होती है, हम उसको पक्षांतरण करते हैं तो जोड़ वाली उधर जाके किस में हो जाएगी घटा में, और घटा वाली उधर जाके किस में हो जाएगी जोड़ में, लेकिन जब मैं गुणा की बात करूंगा तब ध्यान रखना है कि हमें गुणा वाली स्थिति में दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर भाग देना पड़ेगा, और यदि भाग में होगी तो गुणा करना पड़ेगा, भाग देंगे तो 2x/2 और इधर 5/2 भाग का मतलब बटे में होता है, 2 से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2 तो यहां x बराबर कितना बच गया 5/2। लेकिन अब उस स्थिति में हम क्या लेंगे, देखो हमने कुछ नहीं किया, ये तो था वो पहले वाला तरीका हमारा, यदि हम इस गुणा वाले को 2 को ही सीधा परले पक्ष में भाग में ले जाए, गुणा को भाग में, यहां निशान नहीं बदला है इस चीज का ध्यान रखें, जब गुणा वाले कोई भी संख्या को पक्षांतरण करेंगे तो वो भाग में जाएगी लेकिन निशान के साथ जाएगी, अपने चिन्ह के साथ जाएगी, उसका चिन्ह नहीं बदला जाएगा, चिन्ह कब बदला जाएगा जब कोई संख्या चर के साथ जोड़ या घटा में होगी, गुणा वाली में नहीं। अब 5 2 को 2 5 से को पूरा भाग नहीं कर सकता, तो x बराबर 5/2 आ गया, और लेते हैं इसके अंदर एक ही हिसाब से प्रश्न आ सकते हैं, y बटे 3 बराबर है 4, बटे का मतलब भाग, अब y के भाग में 3 है तो हम यहां क्या करेंगे, भाग में है तो परली तरफ इसको किस में ले जाएंगे गुणा में ले जाएंगे, देखो 3 भाग में था उधर जाए किस में हो गया गुणा में, y ऐसे कैसे आएगा 4 3 12। अब गुणा और भाग में निशान नहीं बदले हैं मैंने, ये चीज ध्यान रखे, इसी यही गड़बड़ कर जाते हैं कई बार हम कि यहां पे निशान बदल देते हैं, 3 था 3 ही गया है, जोड़ का 3 था जोड़ का 3 ही गया है, यदि ये -3 होता तो -3 ही जाता,
लेकिन जोड़ वाली स्थिति में जैसे हमने पहले किया था घटा वाली में चर के साथ ये जोड़ घटा, तो वो निशान बदलेगा, इसी चीज का ध्यान रखना है। और आशा है एक आध क्वेश्चन मैं चारों टाइप के और ले लेता हूं ताकि और समझ में आ जाए आपको। y माइनस तीन बराबर पांच, और ले लो माइनस दो ले लो, तो यहां से y बराबर उधर माइनस दो, ये संख्या पहले लिखनी है, इस चीज का ध्यान रखना है, जो दाएं पक्ष के अंदर है वो संख्या पहले लिखनी है। हम लेके इसको जा रहे हैं, माइनस का तीन उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस का तीन, तो y बराबर माइनस दो और तीन जोड़ का तीन क्या हो गया एक हो गया। ये तिथि घटा की स्थिति, x जमा तीन बराबर है सात, यदि ले ले तो x बराबर इधर सात है हमारे पास, जोड़ के तीन को लेके गए घटा का तीन हो गया, x बराबर हमारे पास कितना हो गया सात में तीन गए चार। यदि मैं लेता हूं z तीन z बराबर है नौ या नेगेटिव नौ ले लेता हूं मैं, तो यहां ये गुणा में है तीन, तो z बराबर कितना हो जाएगा नेगेटिव नौ बटे तीन। देखो जोड़ का था जोड़ का ही आया है, ये नेगेटिव नौ पहले से है हमारे पास यहाँ पे, तो यहां से तीन एकम तीन 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 नौ ये पूरा कट रहा है, तो जेड बराबर तीन है और एक नेगेटिव का निशान है तो नेगेटिव तीन। और यदि मैं इसको लूंगा कोई और संख्या ले ले पी बटे पांच बराबर नेगेटिव चार। अब पी बराबर नेगेटिव चार पहले ऐसे कैसे है, गुणा में क्या आया है जो भाग में था वो गुणा में चला जाएगा पांच आया है, तो पी बराबर मल्टीप्लाई करेंगे चार पंजे बीस आएगा, नेगेटिव बीस नेगेटिव का निशान था हमारे पास। तो इस प्रकार से ये चारों के चारों प्रश्न देखो आपको, मैंने ये घटा का लिया है, ये एक जोड़ का लिया है, ये एक गुणा का लिया है और ये एक भाग का लिया है, कि जब चर के साथ कोई संख्या घटा में है वो उधर जाके जोड़ की हो जाएगी, चर के साथ कोई संख्या जोड़ में है उधर जाके घटा की हो जाएगी, चर के साथ कोई संख्या गुणा में है भाग में आएगी निशान वही रहेगा, और चर के साथ कोई संख्या भाग में है गुणा में आएगी निशान वही रहेगा, मतलब गुणा और भाग में निशान नहीं बदलेंगे और जोड़ और घटा में उसके निशान बदल जाएंगे। आशा है बच्चों कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, अब आगे आप ये प्रश्न जरूर कीजिए।